हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू। ऑलरेडी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है एंड वो पैलेट है नन अदर देन पोकाडियो सो हॉट पैलेट। इसको मैंने बहुत पहले लिया था जब ये लॉन्च हुआ था एंड इसके बाद ही मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था इसके रिव्यू के ऊपर, लेकिन वो वीडियो फॉर सम रीज़न मुझे डिलीट करना पड़ा। एंड ये पैलेट इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अफोर्डेबल रेंज के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैलेट है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसका रिव्यू शेयर कर ही देती हूँ। एंड ऑल्सो इसी पैलेट को यूज करके मैंने ये लुक भी क्रिएट किया। अगर आपको जाना कि मैंने ये ब्यूटीफुल सा लुक कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अब वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। मैंने इस पैलेट का यूज किया था इस लुक को क्रिएट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द पैकेजिंग, ये ऐसे आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे आया था। बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। आपको इसके अंदर भी एक ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड है जिसके अंदर ये पैलेट आया था। तो पैलेट बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग है, हाई एंड टाइप ऑफ पैकेजिंग है। एंड इसका नेम है 12 कलर पैलेट सो हॉट बाय पोकाडियोर। ये पैलेट अभी आपको बहुत सारी साइट पे मिल जाएगा, लाइक आई थिंक ऑनलाइन साइट पे भी अवेलेबल है एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी, काफ़ी सारे ऑनलाइन मेकअप स्टोर, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम स्टोर पे भी अवेलेबल है। लेकिन मैंने ये लिया था बिल्कुल पोकाडियोर के इंस्टाग्राम पेज से, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले पैलेट को जैसे आप ओपन करते हो आपको मिलेगा एक बड़ा सा मिरर जो कि काफी गुड क्वालिटी का है। इसके बाद आपको मिलेंगे ये सारे आई शेडोज एंड ऑल्सो इसके साथ एक ब्रश भी मिलेगा आपको। आई डोंट नो वो मैंने कहाँ पे रख दिया। ओके, इसके साथ सॉरी गाइस, वो ये ब्रश अभी नहीं है इस पैलेट में, तो इसके साथ एक ब्रश मिलेगा जो कि टू एंडेड ब्रश होता है। एक साइड पे आपको फ्लैट एंड मिलता है एंड अनदर साइड पे आपको मिलेगा एक फ्लफी ब्रश ब्लेंडिंग के लिए। तो मैं ब्रश का एक पिक यहाँ पे डाल दूंगी ताकि आप देख सको। आई एम सो सॉरी, अभी इसमें नहीं है ये। एंड आपको ये सारे शेड्स मिलेंगे, जस्ट लुक एट द शेड्स। एंड खास करके इसके जो शिमर से ये मुझे बहुत अच्छे लगे। आज तक मैंने जितने भी पैलेट यूज़ किए मुझे बेस्ट शिमर क्वालिटी लगी इस पैलेट की। एंड इसमें सारे शेड्स के आपको नेम भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं लाइक सीरियली बता देती हूँ लेफ्ट साइड से। लेमन जूस जो कि एक येलो कलर है, वॉर्म टोन नहीं है, लेमन कलर ही है परफेक्ट। इसके बाद है स्काई लाइन जो कि एक बहुत ही ब्यूटिफुल स्काई कलर है, मैंने इसको यूज़ भी किया है। चिली एक पीच एंड पिंकी टोन कलर है। चेस्टनट जो कि एक पिंक एंड ब्राउन का मिक्स कलर है। ये सारे मैट शेड्स हैं। इसके बाद आते हैं सारे के सारे शिमर शेड्स में। ओके, सबसे पहले है ये वाला शेड सनसेट। तो ये एक लाइक रोज गोल्ड काइंड ऑफ शिमरी शेड है। ये ग्लिटर लाइक इनकी तरह उतना ज्यादा इंटेंस नहीं है, ये थोड़ा सा शिमरी शेड है जो कि आप अपने ब्राउ बोन को इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद है फ्लेमिंगो जो कि मैंने बहुत यूज किया, आप देख सकते हो गड्ढा खोद दिया मैंने उसमें। तो ये जो टेक्स्चर है ना इनका, आई डोंट कांट टेल यू गाइस, लाइक बटर, लाइक क्रीम, आई एम टचिंग क्रीम, ऐसा फील होता है। तो ये जो शेड है ये पिंक एंड आई थिंक गोल्डन कलर की शीन है इसमें, ऑल्सो थोड़ा सा ऑरेंजी पीची कलर की, बहुत ही डिफरेंट शेड है, मैं बता नहीं सकती। इसके बाद है शेड डिवाइन जो कि एक बहुत प्रिटी ब्लू कलर है, जिसमें लाइक ब्लू कलर के ग्लिटर पार्टिकल सॉर्ट ऑफ है जो कि फाइनली मेल्ट है। इसके बाद है फॉइल शेड जो कि एक ब्रॉन्जी कलर है, ब्रॉन्जी लेकिन थोड़ा सा कूल अंडर टोन में। एंड फाइनली जो लास्ट शिमर शेड है इसमें वो है प्लैटिनम क्रिस्टल जो कि बहुत ब्यूटीफुल कलर है। ये ग्रे कलर है लेकिन इसमें पर्पल कलर या फिर आई थिंक पिंक कलर का भी थोड़ा सा शिफ्ट है जो कि बहुत ब्यूटीफुल बनाता है इन शेड को, बहुत डिफरेंट है, आपको किसी भी पैलेट में नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है शेड टमेटो जो कि एक ऑरेंज ब्राउन टोन शेड है। इसके बाद आता है रूफोस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक पिंक शेड है। एंड लास्ट जो शेड है वो है कॉफी बिन जो कि एक डार्क बहुत ही डार्क एक ब्राउन कलर है जो कि पैलेट में रहना ही चाहिए आपके आउटर कॉर्नर्स को डिफाइन करने के लिए। सो अगर आप पैलेट को ओवरव्यू दो तो इस पैलेट में सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, क्रीज कलर से लेकर के आपको अगर आउटर भी डिफाइन करना है डार्कर कलर तक। एंड बहुत सारे शिमरी शेड्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट है अदर पैलेट से। एंड आपको एक ब्राउ बोन हाईलाइटर भी मिल जाता है इस पैलेट में। सो जैसे कि आपने देखा बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है, इसको यूज करके आप बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अब इसको वन बाई वन मैं सारे शेड का पिगमेंटेशन आपको दिखाऊंगी। सो स्टार्टिंग विद द लेमन जूस, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अगर इन सारे मतलब शेड्स में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है ये जो लेमन जूस वाला शेड है ना ये थोड़ा सा पाउडरी है,
मुझे ऐसा लग रहा है इसका पिगमेंटेशन जो है वो आई थिंक ओपेक नहीं है, क्योंकि ये कभी भी ठीक से पकड़ में नहीं आता है, लाइक आता नहीं है फिंगर पे। आप देख सकते हो थोड़ा सा पाउडरी है, बाकी सारे शेड्स में ऐसा नहीं है, सिर्फ ये वाला शेड में है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लेमन। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये पाउडरी है, ये है सेकेंड शेड, दिस इज द थर्ड शेड एंड दिस इज द फोर्थ शेड। तो मेरी स्किन टोन काफ़ी मीडियम है, थोड़ी सी डार्कर साइड में। तो आप देख सकते हो अगर मेरे हैंड पे इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है तो असल में ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसके बाद मैं सेकेंड रो को करूँगी जिसमें सारे के सारे शिमर शेड्स हैं। तो फर्स्ट है सनसेट, सेकेंड है फ्लेमिगो, थर्ड है डिवाइन एंड फोर्थ है चिली। सनसेट, फ्लेमिंगो, डिवाइन एंड चिली। सो सबसे पहले मैं यही लास्ट वाले शिमर से स्टार्ट करूंगी जो कि है प्लैटिनम क्रिस्टल। नेक्स्ट है टोमेटो, देन है रोफोस जो कि सबसे फेवरेट शेड है मेरा, एंड लास्ट है कॉफी बिन। ओके, सो दिस इज द शेड प्लैटिनम क्रिस्टल, देन है टोमेटो, देन है रोफोस एंड लास्ट है कॉफी बिन। लुक एट द पिगमेंटेशन। तो मैंने इसमें से काफ़ी सारे शेड को यूज़ करके ये लुक क्रिएट किया, खास करके मैंने नियॉन वाले शेड यूज़ किए, क्योंकि नियॉन शेड यूज़ करने से पता चलता है कि पैलेट कितना अच्छा है। ज़्यादातर नियॉन शेड पैलेट्स में पिगमेंटेशन अच्छी नहीं होती या फिर पाउडरी चौकी होती है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि आईशैडो कैसे ब्लेंड होते हैं, पिगमेंटेशन कैसी है, तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर से देखिए। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड आफ्टर स्वॉचिंग टॉकिंग अबाउट दिस शेड, मुझे अगर एक ही शेड मुझे थोड़ा सा पाउडरी लग रहा है वो है लेमन जूस, जो कि येलो है, नियॉन येलो कलर है। तो ये मुझे जरा सा पाउडरी लगा, शायद ब्लेंड करने पर ये बिल्कुल चला जाए, अदरवाइज बाकी सारे शेड्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, लाइक हाई एंड से किसी भी कीमत में कम नहीं है। तो अगर आपको ये पैलेट ट्राई करना है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस, इसका लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअली ये जब लॉन्च हुआ था तब मुझे लॉन्चिंग प्राइस पे लेना पड़ा था, तो आई थिंक मुझे शायद ये 1100 ऐसा कुछ का पड़ा था। अभी शायद इसमें आपको ऑफर मिल जाएगा। गाइस, दिस माय छोटा सा रिव्यू अबाउट दिस पैलेट। ये पैलेट बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई कीजिए। एंड उनके साइड में काफी और भी वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, तो आप अदर पैलेट भी चेकआउट कर सकते हो। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनके ब्रशेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। वैसे आप मुझे पूछते रहते हो कि मैं कौन कौन से ब्रशेस यूज करती हूँ, तो मैं ज्यादातर रैंडम यूज करती हूँ, लेकिन मैं काफी सारे फोकालियो के ब्रशेज ही यूज करती हूँ। लाइक आप देखो, ये डोम शेप ब्रश, ये पाउडर ब्रश, ये आई शेडो, एंड दिस माई हाईलाइटर ब्रश, कम पाउडर ब्रश। तो मैं ये सारे ब्रश जो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर फोकालियो के तरफ के यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होती है, वो लिपस्टिक हो, ब्रश हो या फिर आई शेडो पैलेट हो। तो आप लोगों को ज़रूर से उनका चैनल चेकआउट करना चाहिए। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एनी वे, तो क्योंकि ये पैलेट काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका था, तो ये जस्ट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।